लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे लोगों की बैंकरप्ट कर दिया है, यानी कि सेविंग्स भी खत्म हो गई है। ऐसे में अब बिग बॉस 13 के एक फेमस कंटेस्टेंट ने ये कहा है कि मैं जो है कंगाल हो चुका हूँ, और बिग बॉस 13 करने के बाद जिस तरीके से कोरोना हुआ, लॉकडाउन था, हमें बहुत काम मिलता, हम सभी करोड़पति होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ पारस छाबड़ा की। जी हाँ, आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब क्या बताऊँ, जितना नुकसान हमें कोविड की वजह से हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे भी और हम सबको कई मौके मिलते, सब करोड़पति हो गए होते। शुक्र है म्यूज़िक वीडियोज़ का काफ़ी मदद मिली, वरना 15 महीने से तो मैं घर पर ही बैठा हुआ हूँ। मेरा वज़न भी बढ़ गया है, अब मैंने जिम शुरू किया है और जल्द ही शेप में वापस आ जाऊँगा। हाल ही में माहिरा के साथ उनके जो म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन एक बात तो तय है कि वाकई में बिग बॉस 13 के बाद इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स एंडोर्समेंट इनको मिल सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है काम हाथ में इतना ज़्यादा नहीं आया जितना आना चाहिए था। पारस ऑनेस्टी के साथ ये भी कहते हैं कि अगर हम सबको, मतलब हम सबको इतना काम मिलता, इतनी पॉपुलैरिटी थी कि हम सब करोड़पति हो गए होते, लेकिन म्यूज़िक वीडियोज़ की वजह से जो है हम बच गए हैं, थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन में लोगों के पास रोज़गार नहीं रहा, अपनी सेविंग्स जो है उनकी खर्च हो गई, ये सेम जो प्रॉब्लम है वो ये सब भी फेस कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर अब पारस ने अपनी बात रखी है।